Hi guys, welcome back to Classes of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about those who are going to take admission in literature terms. Sir, literature mein admission lena hai. This is all about literature. Ye literature kaun si hai? Pehle kya karte hain? It's all about English honors. But this is all about MA English. Next, sir, hum MA English ki entrance ki preparation karne wale hain. So guys, whether you are doing English honors or going for the preparation of MA English or MA English kar rahe hain. तो आपके लिए क्लास उतनी जरूरी है जितना पढ़ना. Why this is really an important class? ये क्लास बनाने में इतना टाइम क्यों लग गया? Really, it's been a long time that I've been on YouTube, but मैंने ये क्लास नहीं बनाई. Reason शायद किसी ने याद नहीं दिलाया, लेकिन यार बच्चे definitely याद आते हैं. अब वो याद दिलाने का पहला purpose, sir, you are not here to read, you're here to play. Remember the statement. याद रखना है statement. अगर आप भूल गए तो you cannot survive. चार पांच स्टेटमेंट लिखने वाला हूं जिनको आप दिमाग में लेंगे ताकि आप लिटरेचर को समझ पाए. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट वार्निंग दैट प्लीज डोंट रीड लिटरेचर फॉर द सेक ऑफ मनी. रियली डू रीड द लिटरेचर फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट एंड द नॉलेज. द मोस्ट वार्निंग जो हमें दिमाग में आनी चाहिए. अब ये चीजें मैं बोर्ड पे लिखूं, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट हां मैं मेंशन करूंगा, आप लोग उसको फॉलो करते जाएंगे. द सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट that we guys need to know is all about that literature is all an activity that we have to play. Literature वो टर्म है जिसको प्ले करना है, यू नीड टू फील इट. देयर आर सर्टेन टर्म जो लिटरेचर में आती है जो हम कहते हैं सर इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू डील विद क्योंकि आप भूल जाते हैं, तो आपको प्ले करना है. याद रखेंगे लिटरेचर को शुरू से आखिर तक आप प्ले करेंगे. When you play the literature, the characters in literature, you're going to enjoy each and every moment. The first and the foremost important thing that you need to keep in your mind is you need to act as a die, need not to die. I hope जो मेरे स्टूडेंट हैं इनको मैंने पहले भी स्टेटमेंट बताई है, तो ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में होगी. तो कौन कौन सी चीजें हमें याद रखनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके दिमाग में रहेगा, यू रियली नीड टू क्लियर द कोरस. एक टर्म है कोरस जिसको कहते हैं, वो कोरस आपको क्लियर होना चाहिए. यू गाइस रियली नीड टू क्लियर द कोरस. Chorus is the one who tells you each and every event. आपको हर चीज बताएगा कि क्या होने वाली है. And when you really preparing for English honors, clerk की preparation कर रहे हैं या आप लोग masters की preparation कर रहे हैं MA English के लिए, entrance की preparation कर रहे हैं या आप paper देने वाले हैं, तो guys please do remember the chorus is a dominant part for all those literature lovers. तो chorus का concept हमें क्लियर हो जाए. Sir, this is not a chorus जो एक गाना गाते हो group में. This is not that chorus. That is the chorus that tells you every event that going to take place. Second, सबसे important is persona. Please do write down in literary terms. That is persona. And persona is an illusion world to create करते हैं. हर reader एक illusion world create करता है. मैं जब भी आपको कोई story line, कोई plot या कोई summary बता रहा हूँ किसी भी novel या किसी play या किसी drama की, तो मैं एक illusion world create करता हूँ. जिस इल्यूजन वर्ल्ड में आप जाते हैं और आप अलग अलग चीजों को एंजॉय करना शुरू करते हैं. यू डू एंजॉय दैट टर्म्स, और वो आपके लिए सीरियसली एक ऐसा मोमेंट क्रिएट कर देता है कि आपको लगने लगता है यस दिस इज द प्लेस दैट आई नीड टू बी. सो हियर द वन थिंग दैट वी नीड टू नो इज द फर्स्ट थिंग वी नीड टू प्ले नॉट टू रीड. पहली चीज प्ले दी कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स को प्ले करना. ऑलवेज डू रीड मैक्सिमम प्लीज. रीड मोर देन वंस. किसी भी चीज को एक से ज्यादा पढ़ना है. किसी भी राइट को, किसी भी आर्टिकल को, किसी भी नॉवल को, किसी भी ड्रामा को एक से ज्यादा पढ़ना है. और अगर हो सके तो प्लीज टेस्ट को रीड करें. इफ इट्स पॉसिबल, सीरियसली इफ इट्स पॉसिबल डू रीड द टेस्ट, बिकॉज दिमाग में रहता है और एवरी रीडिंग गिव्स यू समथिंग न्यू इन इट. प्लीज डू कीप दिस इन योर माइंड दैट एवरी रीडिंग गिव समथिंग न्यू इन इट. ये आपको दिमाग में रखना है. एंड देन कम अप टू द नेक्स्ट फेज एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इमेजिनेशन, योर पर्सोना मस्ट बी ऑन हाई टर्म्स. Your imagination, or persona, it is an illusion world. जहां आप सपनों की दुनिया बनाते हैं.
आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, आप क्या पढ़ रहे हैं, दिस ऑल अबाउट लिटरेचर. प्लीज गाइस मेक इट क्लियर दैट दिस वुड नॉट अप्लाई ऑन क्रिटिसिज्म और एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, वहां ये टर्म्स नहीं होती. दिस ऑल अबाउट लिटरेचर, चाहे वो पोएट्री हो, चाहे वो आपका टेस्ट हो, किसी प्लॉट को पढ़ रहे हैं तभी सब अप्लाई होगा. एंड देन देयर आर सर्टेन टर्म जो हमें क्लियर करनी है, एक्शन टाइम, एक्शन प्लेस, एक्शन ऑफ मूवमेंट. गाइस यू रियली नीड टू नो द ट्रिनिटी ऑफ एक्शन. What is your trinity? क्या है trinity? इसको क्लियर करते हैं. पहला एक्शन ऑफ टाइम, कोई भी प्ले या कोई भी ड्रामा, कोई भी टेस्ट पढ़ते उसके टाइम को दिमाग में रखना है, द एक्शन ऑफ टाइम. सेकंड एक्शन ऑफ मूवमेंट, एक्शन ऑफ टाइम, एक्शन ऑफ मूवमेंट और एक्शन ऑफ प्लेस, तीन चीजें दिमाग में होनी चाहिए. यू गाइस रियली नीड टू हैव दीस थिंग्स इन योर माइंड सो दैट यू कैन एडजस्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू यू. ये हमारे लिए डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है. And then we jump to the next part. And that next part really keep us moving around. कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार ये आसपास हो रहा है, वो changes हैं क्या? सर चीजों को दिमाग में रखना है. Epilogue. What is the epilogue? What is epigone? And how was the flashbacks, membranes? याद रखेंगे हमारी literature में सबसे मौजूद है membranes, जिनको दिमाग में रखना, जिनको flashbacks भी कहते हैं. जो writer के दिमाग में होने चाहिए जब वो पढ़ रहा है. And the most important part is quotes. Then lots of statement जिनको quotation बोला था, usually हम क्या बोलते हैं, बोलते quotation for British drama students, that usually they learn that quotations. तो यहाँ हम बोलते quotes, जो भी कोई statement, कोई character quote करता है at a particular moment, हमें वो चीज on tip होनी चाहिए. If that thing is on your tips, then you can do what you want to. तो चीज़ तो वो tip पे रखना है, वो quotes हमें याद होनी चाहिए. Whether you're a first year English honors students, yeah, whether you're a student of MA finals, that doesn't matter. What matters is the course must be on your tip. आपको characters बताना चाहिए, आप characters को कैसे clear करते. And then the most important thing जो हमें आनी चाहिए, you guys need to have your notes. These are the things जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए. That is notes. अब ये notes कहाँ से हैं? Whether you will get your notes from your teacher, from any YouTuber or from me or by making by your own self. ये notes आपको last के time हमेशा help करते हैं. कि from the beginning till the last, I need to know all these things. इनको कैसे करना है? मुझे पढ़ना है कैसे? पढ़ने का तरीका क्या होगा? किन चीजों को दिमाग में रखना है? और कैसे मैं survive करूँ ज़्यादा detail में? ये चीजें हमें point करती हैं चीजों को explain करने में. तो आपको ये चीजें याद होनी है. तो आई होप दोस हु आर गोइंग टू टेक एडमिशन लिटरेचर या जो ऑलरेडी लिटरेचर ले चुके हैं वो स्टडी कर रहे हैं, वो देयर ऑनर्स और देयर मास्टर्स और द प्रिपरेशन ऑफ स्टार्ट ऑफ नेट यूजीसी, दे डू नीड टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड. सर आप रेफरेंस को कैसे चेक करते हैं? हाउ डू रीड यू क्रैक द थिंग्स? आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन हमेशा रहते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव एवरीथिंग इन योर माइंड एवरी टाइम. तो यहां पे जब मैंने चीज को पढ़ा हुआ है, अच्छा कई स्टूडेंट आपने सोचे होंगे जो आज तक क्वेश्चन को याद करते हैं, विल दे रियली लर्न द आंसर्स? सर आंसर्स तो लर्न करते हो. तो मैंने आपको पहली चीज बोली कि हमें प्ले करना है गाइस, वी हैव टू प्ले द कैरेक्टर्स. जितना आप प्ले करेंगे तो आपको कोई भी आंसर याद करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी. यू रियली नीड नॉट टू लर्न द आंसर्स. तो आंसर्स लर्न करना सबसे पहली प्रॉब्लम है आप लोगों की, जिसको आपको यहीं से छोड़ना होगा. अब आप लिखते कैसे हैं? क्लास टू खत्म करने का टाइम आ गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो राइटिंग स्किल्स, मैक्सिमम क्वेश्चन जो मेरे से स्टूडेंट करते हैं वो लिटरेचर, सर हाउ टू राइट ऑन द आंसर, आंसर कैसे लिखना है. एक आंसर लिखने के लिए हमें कौन से टेंस को यूज करना है? एंड व्हेन द क्वेश्चन अपीयर्स, तो मेरे को सीरियसली हंसी आती है, यार ये लिटरेचर स्टूडेंट है एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द टेंस दैट वुड बी राइट डाउन. सॉरी, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन क्या है. यू गाइस रियली नीड टू क्लियर द क्वेश्चन फर्स्ट. आपकी राइटिंग स्किल्स वहीं पर आ जाती है. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग रिक्वायर्ड फॉर एवरी लिटरेचर स्टूडेंट इज टू क्लियर द क्वेश्चन फर्स्ट. मेरा आंसर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से नहीं होता है. All the form of my writing skills works with the requirement of questions. Question की requirement क्या है? Question seriously drama के तो past event है जो हो चुका है.
मुझे वहीं पे लिखना है, आई डिडंट नो प्रेजेंट फ्यूचर, भूल जाओ लिटरेचर में कहीं नहीं आना। एक चीज में बहुत बड़ा काटा सर्कल कहते हैं, सर्कल में बहुत बड़ा काटा मार देंगे आप कि लिटरेचर में फ्यूचर टेंस कभी नहीं आ सकता, तो लिटरेचर हमेशा लिखी जाती है और जो चीज हो चुकी है उसको हम फ्यूचर में कभी नंबर नहीं कर सकते। सेकेंडली इट कैन मीन पास्ट एंड प्रेजेंट और इन मैनीफोल्ड आपकी टर्म्स हैं, आप कैसे लिखते हैं। जब भी आप लिटरेचर का आंसर लिखेंगे आपको फॉलो करना है एबीसी को। यू गाइस रियली नीड टू फॉलो एबीसी। व्हाट डज मीन बाय द एबीसी? सर, एक्यूरेसी, बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी। प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। सॉरी, अभी एक्यूरेसी, बैलेंस और कंसिस्टेंसी क्या है, इस पे काम कैसे करेंगे, इन चीजों को दिमाग रखना है और हम कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, तो इन सब के लिए एक काम करेंगे, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप वीडियोस को एक्सेस कर पाए। किसी का कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आए। एंड रियली दोस हु आर इंटरेस्टेड टू गेट द नोट्स एंड टेकिंग क्लासेस, देनी है तो डू कॉन्टेक्ट मी और मेरा व्हाट्सएप नंबर है वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। बाय गाइस।